जेएनयू से नजीब नाम के जो छात्र गायब हुए हैं, आज 6 दिन बीत चुका है, उनका अभी तक अता पता नहीं चला है। लगातार इसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं हो रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। और उस दिन क्या हुआ था, नजीब की किससे लड़ाई हुई थी, कौन लोग थे वो, कुछ ऐसे छात्र हैं जेएनयू के छात्र हैं जो उस दिन उस मौके पर थे जब ये पूरी घटना हुई थी, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल हुआ क्या था नजीब के साथ और पूरा मामला क्या है। आप जब नजीब के साथ पहले से थे या लड़ाई होने के बाद या हंगामा के बाद पहुंचे थे? जब हंगामा हुआ तो मेरे रूम पार्टनर ने बताया कि माही रूम नंबर 106 में हंगामा हो गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि काफ़ी भीड़ थी और नजीब नाम के एक छात्र को, चूँकि इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन के कंपेन के दौरान वो इरिटेट होकर किसी छात्र से लड़ाई कर बैठे थे। उसके बाद माफ़ी तलाफी होने के बाद भी नहीं, पहले का नहीं, मुझे उस दिन बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जो नजीब के साथ मारपीट हुई थी और उनको कुछ स्टूडेंट हॉस्टल के लीगल और इलीगल स्टूडेंट ने मिल के कई बार मारा था, सीनियर स्टूडेंट के सामने भी, वार्डन के सामने। और आप थे जब उनको मारा जा रहा था? जी, मैं उस वक्त वहीं पर था। आप उन छात्रों को जानते होंगे जो उन पर हमला कर रहे थे, मार रहे थे? वो सारे छात्र जो उन पे अटैक कर रहे थे, जो नारे लगा रहे थे कि इसको हमारे हवाले करो, हम देख लेंगे, इसको हम मारेंगे पीटेंगे, वो सबको सारे स्टूडेंट जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और वो हॉस्टल के कुछ रेजिडेंट्स थे, कुछ इलीगल स्टूडेंट थे जो इससे पहले हॉस्टल में रह रहे थे। आप कुछ बता रहे थे कि पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, वो क्या हुआ? ये जेएनयू का एक कल्चर है कि इलेक्शन के दौरान यहाँ पे कंपेन करते हैं, लोगों को अपना एजेंडा जाके बताते हैं। तो उसी एजेंडे के दौरान नजीब, जो कि बिल्कुल नया स्टूडेंट था जेएनयू का और भाई 15 दिन पहले उनको हॉस्टल मिला था, उसके दौरान जब लगातार कई टीम जा रही थी तो उस बीच में उनकी एक टीम से झड़प हो गई, उसी में मारपीट की नौबत आ गई। लेकिन कौन सी टीम थी, जैसे यहाँ एनयूसीआई है, लेफ्ट है, एबीपी है? हॉस्टल का इलेक्शन कोई पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं होता, ये हॉस्टल के कोई भी स्टूडेंट इसमें खड़े हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। उस दिन जो छात्र थे, गुट होता है तो पता चल जाता है ये लेफ्ट के हैं, एनएसयूआई के हैं, आपको कुछ याद है? अगर आप कोशिश करें तो कोई बैनर पोस्टर कोई झंडा था टीम में? अगर देखा जाए तो एबीवीपी के सपोर्टर्स थे और एबीवीपी की एक टीम थी जिससे ये झगड़ा हुआ था। आप भी थे उस समय जब ये घटना हुई, आपने क्या देखा? हाँ जी, मैं तो वहाँ पे थोड़ी देर लेट से पहुँचा था, क्योंकि मेरा रूम वहीं नीचे ही है। मैं आवाज़ सुना तो कुछ देर बाद मुझे लगा पहले कि कोई आपस में दोस्त झड़प कर रहे होंगे, कोई मुझे लगा मजाक उजाक कर रहे होंगे तो उसमें आपस में कुछ हो रहा होगा। लेकिन फिर जब देखा कि आवाज़ ज़्यादा बढ़ रही तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं नजीब भाई को एक जगह देखा फिर। और जो तो क्या देखा आपने? नजीब अकेले थे और उनको मारा जा रहा था। उस वक्त जो है, जो पहले सिर्फ गाली ये लोग बक रहे थे, पहले मार चुके थे, लेकिन ये लोग कुछ लोग थे वहाँ पे, 2-3 थे, वो लोग मार चुके थे पहले। और भी वहाँ पे कुछ लोग थे रेसिडेंट जिन्होंने उन लोगों को आपस में अलग कर दिया था। उस वक्त वहाँ पे थे कुछ दो लड़के वहाँ पे मौजूद थे झड़प करने वाले में से, वहाँ पे बचाने वाले थे, यहाँ पे ये नहीं था कि नजीब के तरफ से कोई है, वहाँ बचाने वाले रेसिडेंट थे कुछ लोग, नजीब की तरफ से नहीं, वो बचाने वाले थे। वो जो लोग लड़ाई कर रहे थे, जो मार पीट रहे थे, वो कितनी की संख्या में थे, अगर कुछ अंदाजा लगाइए? 5, 10, 15? शुरू में तो वो लोग 2-3 थे, लेकिन बाद में भीड़ बढ़ती गई, इसके पास 20-25 हुए, फिर और भी रेसिडेंट्स उसमें। तो आपने उस समय नजीब को देखा था जब वो उनकी पिटाई, उनको पीटा गया, तब आप नजीब को देख रहे थे? बाद में मैं पहुंचा था वहाँ पे, जब मतलब पहली बार ये लोग मार चुके थे, मैं बाद में वहाँ पहुंचा था। और भी कुछ छात्र हैं जो उस घटना के समय वहाँ मौजूद थे, आपने क्या देखा था, नजीब के साथ क्या हुआ था? मैं भी माही हॉस्टल का रेसिडेंट हूँ, मैं खुद भी अपने लिए कंपेन कर रहा था, मैं हॉस्टल कमेटी में आ रहा हूँ और नजीब का रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं सेकंड फ्लोर पे कंपेन कर रहा था। लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, मारने की टप टप की आवाज़ आई, तो मैं भागता हुआ नीचे आया। मैंने देखा कि नजीब से विक्रांत को, जो उसमें एक सेकेंड पार्टी है, लोग विक्रांत को अलग कर रहे थे। विक्रांत मेरे पास भी आया कि भैया मुझे उसने मार दिया। मैं गया पूछने नजीब से कि आपने विक्रांत को क्यों मार दिया, तो मैंने देखा नजीब के नाक से खून गिर रहा है। मैं आई वॉज सॉरी कि मैं क्यों पूछूं इससे कि इसके खून गिर रहा है, मैं इससे पूछूं कि आपने मारा। फिर भी मैंने पूछा कि आपने क्यों मारा, वो नहीं रिप्लाई कर रहा था, वो शॉक था। मैंने बोला यार वार्डन को बुलाते हैं। और उसके बाद, क्योंकि मैंने इसको शुरू से विटनेस किया एक्सेप्ट फॉर वो पार्ट कि जहाँ उनकी झड़प हुई, जहाँ वो लड़ाई कर रहे शुरू हुई, वो मैंने नहीं देखा, बाकी पूरा मैंने विटनेस किया। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचे, उसके बाद भी लड़ाई होती रही और मारपीट होती रही? नहीं, रुका हुआ था मामला, हम जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने खुद रोका था, हमने लोगों को रोक दिया। आपके आने के बाद नजीब पर किसी ने हमला किया, मारा? एग्जैक्टली किया, जब मैंने देखा कि मोब आ रही है, उसको अंदर किया, सिक्योरिटी वाले ने उसको आके बाहर निकाला, तो उस पर मोब अटैक हुआ। कितने लोग थे जो अटैक करने वाले? कम से कम 15 से 20 लोग थे, लेकिन उनमें हमने 10-12 लोगों को, या कुछ कम लोगों को, 9 लोगों को शायद हमने आइडेंटिफाई करके
कंप्लेन दर्ज कराई है। तो क्या उनके हाथ में कोई बैनर था, पोस्टर था, कोई झंडा था? कोई पोस्टर नहीं था, कोई बैनर नहीं। किस तरह की नारेबाजी कर रहे थे? नारेबाजी कर रहे थे कि धर्म की बात है, हम इनसे बदला लेकर रहेंगे, इनको 72 हुरों के पास भेजा देंगे, इन लोगों को हम काट के धर देंगे, इस तरह की नारेबाजी थी। तो आप भी थे क्या उस समय? जो वार्डन वहाँ पे वार्डन भी मौजूद थे, JNU SU के प्रेसिडेंट मोहित कुमार भी थे उनके सामने, सिक्योरिटी गार्ड थी उनके सामने, JNU प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे। हाँ, मौजूद थे उनके सामने। उनको जब नीचे वार्डन ऑफिस में लाया गया उनके रूम से, तो उन पे अटैक होता रहा रेगुलरली इन द वे, रास्ते में स्टेयर्स पे उन पे अटैक होता रहा, और ये सारे भी विटनेस थे, उन्होंने देखा है उनको ओपन थ्रेट। कोई बचाने के लिए नहीं आया? बचा रहा था, लोग बचा रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि बचाने वाले लिमिटेड थे, मारने वाले ज़्यादा थे, तो उनको मार पड़ी। रामा नागा है मेरे साथ, जो लेफ्ट से जुड़े हुए और JNU के फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं, जो अभी JNU के छात्र के अध्यक्ष हैं, वो भी उस समय थे। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल पूरा मामला क्या था, वो कौन लोग थे जिन्होंने नजीब पे हमला किया। रामा, उस समय थे आप जब ये पूरी घटना हुई, तो क्या देखा आपने, कौन लोग थे जो हमला कर रहे थे? ये देखिए, ये जो घटना घटी माही मांडवी हॉस्टल में चुनाव होना था, चुनाव का कैंपेन चल रहा था, हम लोग भी कैंपेन कर रहे थे, तो AUP के कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं सेक्रेटरी और वहाँ पर हॉस्टल कमेटी में, ये लोग कैंपेन करने गए, तो जो रूम नंबर 106 है माही में, वहाँ पे नजीब रहता था, उसका रूममेट कासिम है, तो ये लोग गए और वहाँ पे इन कन्फ्रंटेशन हुआ। फिर ये तो आप उस समय थे वहाँ जब ये पूरी घटना हो रही थी? मैं जब अटैक हुआ तब हम लोग को कॉल आया, तब पहुँचे, जब ये तीन लोग उस पर अटैक किए, ठीक है, फिर शोर शराबा वहाँ पे मचा, तो पूरे वहाँ पे फ्लोर के लोग आ गए, ठीक है, फिर मैंने एकदम से वहाँ पे माहौल बन गया। फिर ये क्या किए, 5 मिनट बाद AUP के जो लोग हैं मोबिलाइज करते हुए फिर 30-40 लोग आकर के उसको पीटे, और कोई नजीब को बचाने के लिए नहीं था वहाँ, ये 30-40 लोग आए वो पीटे और मोहित को नजीब को बचाने के लिए कोई नहीं था। जब ग्रुप में उसको अटैक हुआ तो वहाँ पे जब शोर शराब मचा, आसपास के जो पड़ोसी हैं उसी फ्लोर के, फर्स्ट फ्लोर के और ऊपर के फ्लोर के सब आ गए स्टूडेंट्स, हमको कॉल किया गया, हम लोग नेक्स्ट ही मैंने मांडी भी हॉस्टल में थे बगल वाला है। कितने देर ये घटना होती रही आपको, मतलब अगर आप ऐसे लबो लो आप बताएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? 11:30 बजे के आसपास की ये घटना है। कितनी देर घटना चली? ये मैंने उसको तो ग्रुप में 5 से 10 मिनट तक वहाँ पे स्कपल हुआ। उस समय कोई गार्ड नहीं था वहाँ? सिक्योरिटी गार्ड देखिए हॉस्टल में 2 होते हैं, और इमीडिएटली कोई इंसिडेंट होता है तो गार्ड को कॉल किया जाता है, तो गार्ड वाले लेट आए वहाँ पे उस दिन, वार्डन को मैं पहुँचते ही वहाँ पे वार्डन को कॉल किया, मैं जब पहुँचा गार्ड नहीं था। तो आपने क्या देखा, नजीब को बहुत चोट लगी थी, ब्लड आ रहे थे, उनके घर वालों का कहना है कि उनको जो नजीब ने बताया था कि उनको बुरे तरीके से मारा गया है, नाक से ब्लडिंग हो रही थी, पीछे सिर से ब्लडिंग हो रही थी, आपने क्या देखा? हाँ देखिए, क्योंकि हम लोग जब पहुँचे तब मैंने जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नजीब को वहाँ पे पीट रहे थे, तो उनको छुड़ा करके मैंने वॉशरूम में लिया गया, वॉशरूम में फिर वहाँ पर जाकर के प्रोटेक्शन दिया गया, फिर वार्डन को कॉल किया, वार्डन लेट में आए, फिर मैंने जब डिसीजन हुआ कि वार्डन के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर जाकर के मीटिंग होगा और मैंने जो भी स्टेटमेंट है जितने भी लोगों का सबका लिया जाएगा, जब उतर रहे थे सीढ़ी से, ठीक है, क्राउड को डिस्पर्स करना था, नहीं किया गया, वहाँ पे उतर रहे थे जब सीढ़ी को, सिक्योरिटी गार्ड पीछे है, हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं नाजीब को, मैं तो आपको, आप क्यों तो कह रहे हैं जो मारने वाले लोग थे उनके हाथ में कोई बैनर था, पोस्टर था, कोई नारेबाजी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो AUP के लोग ही थे? वही AUP के लोग उसी हॉस्टल में इतने सालों से रहते आए हुए हैं, मैं उसी हॉस्टल का रेसिडेंस हूँ, ठीक है, और अभी चुनाव खत्म हुआ है, कौन कौन कॉन्टेस्ट किया था, कौन कौन कॉन्टेस्ट नहीं किया था, कौन कैंपेन किया था AUP के लिए, वो सब जानते हैं, और ये इतिहास रहा है, पहली बार थोड़ी ना हुआ है। तो आप श्योर हैं कि जो हमला था वो AUP के छात्रों ने हमला किया? उनका नाम ले करके हम लोग कंप्लेन किए हैं कि ये AUP के लोग हैं, और पहली बार नहीं किए हैं, रमजान में पोस्टर फाड़ दिए थे वही लोग, उनके खिलाफ वही कंप्लेन। तो JNU में राजनीतिक रूप से बहस होती रहती थी, वाद विवाद होता रहता था, लेकिन ये पहला मामला है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, जब मारपीट तक मामला पहुँच गया हो, और नजीब नाम का एक छात्र जो 6 दिनों से लापता है, और रामानगर उस घटना के समय मौजूद थे, इनकी माने तो 15-20 के संख्या में लोग थे, और वो भीड़ बनकर आए थे, और उसने उस छात्र को मारा पीटा, और उसी का नतीजा है, उसी की वही वजह है कि आज 6 दिन हो गए हैं और वो छात्र लापता है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। कैमरान गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU दिल्ली।